फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में S5 + S7 = 167 and S10 = 235. यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि S5 और S7 का सम जो है 167 होता है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ के समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये S5 + S7 दिया हुआ है, ये सिंपली S5 भी दिया जा सकता है कि S5 167 है और S10 235 है, ऐसा भी मिल सकता है, या S7 मिल गया और S10 मिल गया तो फाइंड है, ठीक है, या फिर फाइंड 20 तक T20 निकालिए, T30 निकालिए, T50 निकालिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, S5 का फॉर्मूला लगा दिए, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, N/2 2a + n-1, ठीक है, ये इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। S5 का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 5/2 2a, अब a की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू तो पता है, Sn की जगह पे S5 है, जहां जहां n है वहां वहां आपको 5 पुट कर देना है, n-1 तो 5-1 4 हो गया, 4d हो गया, ये हो गया S5 का फॉर्मूला। S7 का फॉर्मूला है, वैसे ही आप अप्लाई करते हो 7/2 2a + 6d हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको 167, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है 167 के इक्वल है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया हो गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 4 5 2 10d हो गया, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 7 हो गया, प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस ही है, 7a और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 3 7 प्लस हो जाएगा 21d 167। समझ सकते हैं आप, बोल दीजिए। अब ये 5a और 7a को आप ऐड करो, कितना हो गया भाई 12, राइट, 10d और 21d ऐड कर दीजिए, कितना हो गया भाई 31d, बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा 167, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया, ये हमें इक्वेशन मिल गया, कोई भी चीज यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन बन गया, ओके। अब S10 नेक्स्ट बारी है S10 की, S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10/2 2a और 10-1 9d, जैसे आप S5 और S7 का फॉर्मूला लगा रहे थे वैसे ही यहाँ पे S10 का फॉर्मूला और ये इक्वल है 235, राइट। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो गया तो 10a हो गया, और ये तो कैंसिल नहीं होगा तो यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं भाई, 5 2 10a और 5 9 45d, ये हो गया 235, ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए ए और डी के फॉर्म में, तो आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्व किया करते थे, जब दो लीनियर इक्वेशन हमें दो वेरिएबल में मिल जाते थे तो कैसे सॉल्व, यहाँ भी दो वेरिएबल है ए और डी, ये आप लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे वही है ये, तो सॉल्व करना है कैसे करेंगे, ये 10a है ये 12a है, इक्वल करना होता है हमें एक पार्ट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, फाइव और सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को सिक्स से कर देते हैं, तो ये 6 × 10 कितना हो जाएगा 60, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 × 5 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 60a 5 से मल्टीप्लाई करिए,
155 b इसको भी 5 से करना होगा, 7 5 का 35, 6 5 का 30 और 3 33, 1 5 का 5 और 3 8, ओके ठीक है। अब दूसरा वाला इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 6 का 68, 45 इंटू 6 कर देते हैं यहां से तो कितना हो जाएगा, 270 हो गया ठीक है। 6 5 का 30 0 3 6 4 जा 24 प्लस 3 270 डी हो गया, और इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 0 3 नहीं है, 6 3 जा 18 3 21 2 6 2 जा 12 और 2 14 राइट। ये हो गया आपके पास 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमें एक टर्म काटना है, ये दोनों इक्वल हो गए बट दोनों पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज करके ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस, कितना हो गया भाई 115 b, और ये हो गया माइनस, इसमें से देख लीजिए 5 और यहां बचा 6 माइनस 5 1 और यहां बचा 1 माइनस 1 ओके। अब यहां पे भी देखिए नेगेटिव है, ये बड़ा है तो 0, यहां पे 10 माइनस 5 5 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया, और ये बचा यहां पे 0 0 तो 10 माइनस 7 सॉरी 3 7 हो गया ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, यहां बचा 3 13 माइनस 8 5 ठीक है, तो ये हो गया आपका 575। इसको काट करते हैं, ये तो 5 से कट गया, 115 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा, इसका मतलब डी तो हमें इजीली मिल गया 5, बहुत अच्छा, डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, बाय द इक्वेशन 2 ठीक है। क्या कर लेंगे भाई, 10 a प्लस 45 डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 230 राइट। इसमें भी पुट कर सकते थे, इक्वेशन 1 में भी आप डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए आ जाएगा, तो ये 10 a इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इनटू 5 से कितना होगा 225 ओके, तो उधर जाएगा तो सबट्रैक्ट भी हो जाएगा, 235 माइनस 225 तो 10 आ जाएगा, बहुत अच्छा, 10 में से a की वैल्यू 1 आ गई, बहुत अच्छा। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है, देन राइट कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया, फर्स्ट टर्म 1, अब इसको d ऐड करते हैं, ये 5 ऐड करिए 6 हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया, डॉट 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 हो गया, दैट्स वेरी सिंपल, ये आपकी a की हो गई, आंसर हो गया ओके okay?